यस पर स्टार्ट रेडी सस्पेंशन ब्रिज। मैम गुड मॉर्निंग। सस्पेंशन ब्रिजेस आर सस्पेंडेड फ्रॉम केबल्स। द अर्लीस्ट सस्पेंशन ब्रिजेस वर मेड ऑफ रोप्स और वाइन्स कवर्ड विद पीस ऑफ बम्बू। इन मॉडर्न ब्रिजेस द केबल्स हैंग फ्रॉम टावर्स। एग्जाम्पल द लक्ष्मण झूला नियर ऋषिकेश इन ऋषिकेश, उत्तराखंड। नियर ऋषिकेश। ऋषिकेश इन उत्तराखंड इज अ सस्पेंशन ब्रिज। ओके, सस्पेंशन ब्रिज आर सस्पेंडेड फ्रॉम केबल्स, मतलब उसमें केबल्स लगे रहते हैं, केबल्स जो वायर होती हैं वो उस ब्रिज को होल्ड करते हैं, ठीक है। अर्लियर सस्पेंशन ब्रिज वे मेड अप ऑफ रोप्स और वाइन्स, ठीक है। पहले जब बनते थे तो जो सस्पेंशन ब्रिज बनते थे तो वो रोप्स रस्सी से बनते थे, है ना, पर अभी वायर्स यूज किए जाते हैं। इन मॉडर्न ब्रिजेस द केबल्स हंग फ्रॉम टावर्स, टावर्स से बांधा जाता है केबल को, देन वो ब्रिज फॉर्म होते हैं। एग्जाम्पल द लक्ष्मण झूला नियर ऋषिकेश इन उत्तराखंड इज सस्पेंशन ब्रिज, एग्जाम्पल इज दिस। यस आयुषी, स्टार्ट रीडिंग। Cable state bridge are similar to suspension bridge. They are held up by cables. However, less cable is required. The tower holding the cables are shorter. Example, the Vidya Sagar Setu in Kolkata is the longest cable straight bridge in India. It is made from steel and reinforced concrete. ओके, सो केबल स्टेट ब्रिज, केबल्स जिसमें लगे रहते हैं, सेम टू सेम सस्पेंशन ब्रिज जैसे ही होते हैं, बिकॉज इसमें भी केबल का यूज होता है। लेस केबल इज रिक्वायर्ड एंड टावर्स होल्डिंग द केबल आर शॉर्टर, जो टावर्स केबल को होल्ड करते हैं वो छोटे रहते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा केबल की जरूरत होती है। एग्जाम्पल है विद्यासागर सेतु, वो लॉन्गेस्ट है, कोलकाता का लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज है इंडिया का, जो स्टील से बना हुआ है। ओके, आर्क ब्रिजेस आर आर्क शेप, द अर्लिएस्ट नोन आर्क ब्रिजेस वेर बिल्ट बाय द ग्रीक्स, पहले ग्रीक्स बनाते थे। एग्जाम्पल टीस्टा ब्रिज इन सिक्किम इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्क ब्रिज इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। मेनी डिफरेंट मटीरियल्स आर यूज टू मेक ब्रिज, बहुत सारे मटीरियल्स का यूज होता है ब्रिज बनाने के लिए। वुडन लॉग्स, प्लैंक्स एंड रोप्स वेर द अर्लिएस्ट मटीरियल यूज फॉर मेकिंग ब्रिज, दे वेर रिप्लेस बाई आयरन स्टोन ब्रिक एंड सीमेंट्स। टूडे ब्रिजेस आर मोस्टली मेड ऑफ रेनफोर्स्ड स्टील, ठीक है। आज के टाइम का ब्रिज जो रहता है वो स्टील से बनता है, पहले वुडन लॉग, प्लैंक्स, रोप्स ये सब यूज होता था, पर आज के टाइम पे केबल, स्टील ये सब यूज होता है ब्रिजेस बनाने के लिए। ओके, यस आरुषि, स्टार्ट रीडिंग। बिल्डिंग, बिल्डिंग अ स्कूल। The villagers of Rampur are worried. The construction company that they had hired to make the village school will not be able to do the work because of landslide in their area. The material, such as bricks, sand, gravel, cement, tiles, steel rods, and beams, and marble slabs have been delivered by the trucks. But the villagers do not have manpower. Okay, so villagers of Rampur, जो रामपुर के villagers है वो बहुत ज्यादा worried थे, क्यों? Construction company ने hire किया था लोगों को क्या बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए, पर काम नहीं हो पाया, क्यों? क्योंकि लैंडस्लाइड हो गई थी, है ना, लैंडस्लाइड हो गया था तो सारा चीज दब गया था, धुल गया था, कुछ डिस्ट्रॉय हो गए थे उस एरिया में। तो मटेरियल्स जो थे, ब्रिक्स, सैंड, ग्रेवल, सीमेंट, टाइल्स, स्टील रॉड एंड बीम्स एंड मार्बल स्लैब्स वेर डिलीवर्ड बाय द ट्रक, बट द विलेजेस डू नॉट हैव मैन पावर, ठीक है। ये सब चीज ना ट्रक से भेज तो दी गई, पर विलेजर्स के पास उतने लोग नहीं थे कि वो चीज को वो लोग उतार के कहीं पे रखवा सके अच्छे से, है ना। यस दिव्यांशी, स्टार्ट रीडिंग। The sarpanch of the village suggests that they should make the school buildings themselves. The villagers brighten at the thought and gather under the banyan tree, the makeshift of their children.
हाँ ओके तो सरपंच जो था विलेज का वो सजेस्ट किया कि वी शुड मेक स्कूल बिल्डिंग बाय आर सेल्फ, ठीक है हम ही लोग मदद करेंगे क्योंकि अब कोई लोग है नहीं बनाने के लिए। मैम हु इज सरपंच? जो हेड होता है विलेज का, विलेज का जैसे यहाँ का कौन हेड है, यहाँ का चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना, हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर होते हैं, वैसे गांव का भी एक मिनिस्टर होता है जिसको लोग अलॉट कर देते हैं सरपंच, वो लोग ही सारे डिसीजंस जो गांव के होते हैं वो लेते हैं, उन्हीं लोग लेते हैं कुछ भी, किसी से भी रिलेटेड कुछ भी हुआ, क्राइम हुआ, किसी के साथ गलत हुआ तो क्या करना है कैसे करना है वो सब डिसीजन सरपंच ही लेते हैं विलेज में। ओके दैट इज द सरपंच, कोई भी बिग डिसीजन लेने के लिए उन्हीं के पास जाते हैं, ठीक है। तो वो सब गैदर हुए, उन लोगों ने बोला कि चलो अब ये काम हम ही लोगों को करना पड़ेगा, तो दे वेर ऑल कलेक्टेड अंडर द बनियान ट्री एंड दे गैदर देयर एंड स्टार्टेड थिंकिंग कि कैसे काम आगे बढ़ेगा, कैसे हम आगे करेंगे। यस देवांश स्टार्ट रीडिंग। जय राम्स सन हैज स्टडीड आर्किटेक्चर architecture from a college in the city. He is an architect who can make designs of buildings such as offices, malls, bridges and schools. His father had told him about their problem and he has the design ready. His younger brother who is civil engineer is on a vacation in the village. He will supervise the construction. Okay, so जयराम को एक विलेज का पीपल था, जयराम जिसका जो सन था उसने क्या पढ़ा था, आर्किटेक्चर पढ़ा था। नाउ इट वॉज इजी फॉर द विलेजर्स टू डू द वर्क, ठीक है आर्किटेक्चर उन्हें पता था तो वो जानता था कि मुझे कैसे डिजाइन करनी है, स्कूल को कैसे बनाना। तो उसके फादर ने उसको अपनी प्रॉब्लम बताई कि ऐसा ऐसा हो गया है, और उसका जो यंगर ब्रदर था वो सिविल इंजीनियर था जो वेकेशन पे विलेज आया था, तो वो कंस्ट्रक्शन देखने वाला था। जो इंजीनियर्स होते हैं वही ये सब कंस्ट्रक्शन देखते हैं ना, तो वही उस डिजाइन करने वाला था, जो यंग ओल्डर सन था वो डिजाइन बनाने वाला था, और सिविल इंजीनियर जो था सन वो उस चीज को देखने वाला था कि क्या कैसे करना है। यस स्पर्श अगेन स्टार्ट रीडिंग। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्कूल कैन बिगिन एट वंस, देयर आर इनफ मेसन्स प्लम्बर्स कारपेंटर्स एंड इलेक्ट्रीशियंस अमंग द विलेजर्स, अ फ्यू विलेजर्स वॉलंटियर to do the job for the laborers. The work is divided among the people. Okay, so construction. So the construction of the school can begin at once. एक बारी सबको काम आ गया तो सब लोग आराम से construction कर सकते हैं। जैसे वहां पे बहुत सारे लोग थे जो प्लम्बर बन सकते थे, कारपेंटर बन सकते थे, इलेक्ट्रीशियंस बन सकते थे, लेबर बन सकते थे, है ना। अ फ्यू विलेजेस वॉलंटियर टू डू द जॉब ऑफ द लेबर्स, ठीक है सामान पास करना, सामान उठाना, सामान लोगों तक पहुंचाना, वो वर्क वो कर सकते थे। द वर्क इज डिवाइडेड अमंग द पीपल, जो वर्क थे वो सारे लोगों के बीच में डिवाइड होगा। यस राधिका स्टार्ट रीडिंग। अनम्यूट योर माइक एंड स्टार्ट रीडिंग। And Raghav will lay the pillars of steel beams to support the structures of the buildings. They will then make the walls and roof. They will also guide the labor. Guide नहीं है, guide है. Laborers who will prepare the mortar by mixing cement, sand and gravel. The laborers will carry the bricks and mortar to the masons who will be making the sketches of the buildings. The laborers are
scared of using the scaffolding to reach the high areas. But Hariya and Raghav tell them that they will be secured by ropes, so they need not worry. ओके सो द मेसन्स मतलब जो मेसन्स है जो मिस्त्री जिसको मिस्त्री बोलते हैं अपन वो हरिया और राघव क्या किए पिलर्स ऑफ द स्टील को डाल दिए बीम बीम डलती है ना पहले बीम डलती है देन बिल्डिंग स्टार्ट होती है बनना तो बीम डाल दिए बिल्डिंग पे स्ट्रक्चर के लिए कि कहाँ पे क्या रहेगा दे विल देन मेक द वॉल्स एंड रूफ उसके बाद क्या बनना था वॉल्स एंड रूफ एंड दे विल ऑल्सो गाइड द लेबरर्स हु विल प्रिपेयर मोर्टर बाय मिक्सिंग सीमेंट सैंड एंड ग्रेवल उसके बाद उन लोग लेबर्स को गाइड करेंगे जो लोग मोटर सैंड सीमेंट और ग्रेवल को मिक्स करने वाले थे लेबरर्स विल कैरी द ब्रिक्स एंड मोर्टर टू द मेसन्स हु विल बी मेकिंग द स्ट्रक्चर ऑफ बिल्डिंग जो स्ट्रक्चर बिल्डिंग बनाने वाले थे उन तक पहुंचाया जाएगा ब्रिक्स और मोर्टर एंड द लेबरर्स आर स्केयर्ड ऑफ यूजिंग द स्कैफोल्डिंग टू रीच हाई एरियाज बट हरिया एंड राघव विल टेल देम दैट दे विल बी सिक्योर्ड बाय रोप्स क्या होता है बहुत ऊंचा ऊंचा बिल्डिंग होता है तो क्या होता है लोगों को ऊपर तक जाना पड़ता है ना आप लोगों ने देखा होगा रस्सी से बांध के लोग ऊपर तक जाते हैं एंड देन yes, ma'am. काम करते हैं ना तो ये बहुत रिस्की होता है बहुत बारी क्या होता है रस्सियां टूट जाती हैं कुछ हो जाता है तो लोग बाग वहां से गिर जाते हैं इसलिए वो लोग वहां से डर रहे थे बट वो जो मेसन था उसने उन लोगों को गारंटी दी कि यू विल बी सिक्योर्ड विद द रोप्स एंड ऑल एंड सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट Hariya and Raghav will use trowels to spread mortar over the bricks and make the high walls. ठीक है high walls बनाने के लिए क्या हुआ Hariya और Raghav ने उसे trowels दे दिया. The pump line and the spirit level will help them to ensure this. They will use the granite and marble to do the flooring. Flooring किससे हो रही थी granite and marble से. Yes, अभी start reading. Unmute your mic. Hariya and Raghav, we used troll to speed motor over the bricks and ये हो चुका abhi next page pe padhna hai 129 Jagdish is a plumber her work the in clouds layering the water and laying the water Leak the water and the secure pipes and we need a pipe cutter wrench and pillar do his joint. Okay. So Jagdish is a plumber. Jagdish कौन है plumber है. He will work with His work will include laying the water. ठीक है जो प्लम्बर होते हैं वो वाटर से रिलेटेड काम करते हैं तो ही विल वर्क ऑफ वाटर लाइक सीवेज पाइप बनाना टैप्स फिक्स करना सैनिटरी वेयर को फिक्स करना सब वो काम कौन करने वाला था जगदीश बिकॉज इज अ प्लम्बर द कारपेंटर हरी राम विल डू द वुड वर्क ठीक है कारपेंटर जो था हरी राम वो वुड वर्क करेगा जैसे कबर्ड्स बनाना हो गया डेस्क बनाना हो गया बेंचेस बनाना हो गया वो सब काम कौन करने वाला था हरी राम बिकॉज इज अ कारपेंटर सो ही नोज द वुड वर्क हाउ टू डू दैट सोहन द इलेक्ट्रीशियन ठीक है सोहन इलेक्ट्रीशियन था तो वो सारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उनको फिक्स करेगा लाइन्स फिक्स करता ताकि लाइट जल सके स्कूल में ही विल इंस्टॉल द प्लग पॉइंट्स एंड स्विच पॉइंट्स ही विल आल्सो डू कंसील्ड वायरिंग एंड ही हैज जस्ट बॉट अ न्यू सोल्डरिंग आयरन फ्रॉम द सिटी इट विल हेल्प हिम टू डू हिज जॉब वेल Once the school building is ready, Mahesh and Suresh, two painters, will paint the building. ठीक है, एक बारी building बन गई तो painting भी होती है तो Mahesh and Suresh will paint the building. They will use rollers and brushes to apply waterproof painting and make the school a beautiful building. The village woman will help them to decorate the walls with small mirrors and picture. ठीक है, जो village की women से जो वहाँ काम करती हैं, उन लोग small छोटे-छोटे mirrors से उस चीज को decorate करेंगी. The villagers have begun their work and the village children are very happy and they will soon go to a proper school. ठीक है, सारे लोगों ने काम चालू कर दिया and तुरंत ही बच्चे school जाना चालू कर देंगे. Okay, so in this way we have completed our chapter. We'll come to now exercise MCQ. Havra Bridge is a dash bridge. Which bridge is Havra Bridge? Cantilever Bridge. Cantilever Bridge. Yes, cantilever bridge. Yes, stick on cantilever bridge.
Testa Bridge is in Northeast India. Testa Bridge is in Northeast India. Mom, your sound is not coming. The pillars to support the structure of buildings are laid by. कौन लेड करता है जो पिलर सपोर्ट करते हैं ब्रिजेस को? मेसन्स करते हैं. सी पेज नंबर 128, 1, 2, 3, 4, फोर्थ पैराग्राफ. द मेसन्स हरिया एंड राघव विल ले द पिलर ऑफ स्टील बीम्स टू सपोर्ट द स्ट्रक्चर ऑफ बिल्डिंग. दिखा? सो आंसर विल बी मेसन्स. मोटर इज प्रिपेयर्ड बाय. मोटर कौन प्रिपेयर करता है? मैम लेबरर्स. हाँ, लेबरर्स विल प्रिपेयर द मोटर. बट लेबरर्स है नहीं, मेसन पे टिक करो. मेसन होगा आंसर. मेसन लेबर्स ऑप्शन नहीं है ना, तो मेसन होगा. Find the fill in the blanks. You have 10 minutes only to find it. Now only find it and tell me. 10 minutes are there. Find the fill in the blanks. Just continue. Anna? Okay. First one, dash and dash are the bridges made of beams. What is the answer? Cantilever and girder bridge. Haan, cantilever and grider bridge. Right there, cantilever or grider bridge. Cantilever or grider bridge, right there. Second one, dash is India's biggest cantilever bridge. Ma'am, Howrah Bridge. Howrah Bridge, very good. Howrah Bridge, yes, right there. Howrah Bridge, everyone. The dash is the longest cable state bridge in India. Vidyasagar. Yes, Vidyasagar Setu. Dash and dash are used to make bridge. Iron and stone. Iron and stone. Answer will be iron and stone. Last one, the dash and dash help to build straight walls. It will be pump line and spirit level. Pump line and spirit level. Haan, pump line and spirit level. Pump line and spirit level. Pump line and spirit level. Yes, ma'am. Now you have to write an example of each of the following. Just write it fastly. See in your book and write it. The example of grider bridge, cantilever, suspension and arch bridge. Write it fast and I'll ask you in 5 minutes. Write it fast, everyone. Come on. Now tell me. First, the grider bridge example. Grider bridge ka example. Foot over bridge. Foot over bridge. Okay, ma'am, very good. Bridge. Cantilever bridge. Havrah Bridge. Yes. Okay. Very good. Suspension bridge. Lakshman Jula. Very good. Arc bridge. Teesta bridge. Okay. Very good. Very good. Okay. So that's all for today. We'll tomorrow do the question answers. Okay. And I'll show you the videos related to the bridge. And tomorrow we'll see the video. Okay. Okay, thank you, class. Have a wonderful day ahead. Thank you, and good day, ma'am. Good day.